कहाँ जाओगे? रुकते जाओ मोहम्मद अली, रुकते जाओ, रुकते जाओ। आप हम है जी। जिंदगी में याद रखना, क्या उस महफिल में बैठना जिसमें हंसना ना पड़े, समझे? मतलब समझाओ, आप समझाओ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशाहिद, और मुझे अभी एक बाबा दिखे हैं जो कि रिक्शे पे हैं, और उनकी हालत मुझे लगता है करीबन वो 85 के करीब होंगे, 80 के करीब तो होंगे, जो मुझे लग रहा है, हो सकता है कम भी हो, लेकिन उनकी मैं मदद करना चाहता हूँ। कहाँ पर भाई, कहाँ पे हैं? सीधे जा रहे हैं क्या? जाएंगे, जल्दी से बात करेंगे। चलो, कहाँ जाओगे? रुकते जाओ मोहम्मद अली, रुकते जाओ, रुकते जाओ। आप हम है जी। हाँ नहीं, एक मिनट बात करनी आपसे। आप तो भागे जा रहे हो बाबा, क्या कर रहे हैं? यहाँ लोकल में चला देंगे आप? क्या क्या माल चलाते हो? सुन तो जाओ, बात तो कर लो, सुन तो लो, बात तो कर लो, सुन तो लो। अब मदद करेंगे आपकी कुछ, सुन तो लो, मदद करेंगे इंशाल्लाह, आपकी मदद करेंगे। आप बेफिक्र हो, आप भाग क्यों रहे? मेरा नाम मुशाहिद खान है। क्या नाम है आपका? महमूद अली। मैंने देखा आपका नाम लिखा हुआ, मेरी बेटी ने देखा आपको, कार से हम जा रहे थे कि हम बाबा से मिलेंगे। कहाँ के रहने वाले हो आप, ये बता दो बस। यूपी कहाँ के हो आप? मुरादाबाद। पुणे की के हो? मैं तो परसों आया हूँ पुणे से, पुणे की से है नी। अच्छा सुन तो लो, चल बात नहीं कर रहे आप हमसे, आप नाराज हो आप हमसे। रोटी हम खिला देंगे आपको, हम अपने साथ में होटल खिलाएंगे। मैं कल ही आया कुदरती से, वहाँ पे एक लड़का है ना, वो बड़ा पहलवान से है, बड़ा फेमस है, वो हाथ से वो तोड़ता है, यूसुफ पठान, अब्दुल्ला पठान। आप भी पठान ही हो कुदरती के? कौन से खास है? तेवर खास। तो यहाँ कौन कौन रह रहा है आपका, और आप बच्चे? अच्छा इधर तो आ जाओ आप। फिर मैं, आप नाराज हो रहे हो, हम आपसे मोहब्बत में बात कर रहे हैं, आप नाराज हो रहे हो, आप सब समझ रहे हो ना, हैं? आप ये बेटी बात कर रही है आपसे, आप क्यों नाराज हो रहे हो हमसे, ये बता दो बस। अच्छा आपका अपना रिक्शा है, किस किराए का रिक्शा आपका अपना है? तो यहाँ कहाँ रहते हो किराए पे? रिक्शे पे सोते हो? इतना अच्छा गांव है आपका कुदर की। 3-4 हज़ार रुपए या कमरे का किराया तो जी, फिर यहाँ से 5-10 किलोमीटर रोड का आप डाउन करो जी। तो आप कहाँ छोड़ गए आप अपना सामान? ये अशोक नगर। रिक्शा कितने का है आपका? ये अच्छा ये अच्छा ये बताओ, आप अपने घर में कितने पैसे भेजते हो हमेशा? भाई ऐसा है, बेकार की बात है। शादी कर रखी? घर से नाराज हो? बस एक बार जिसको कह दिया कि तू नहीं, तू नहीं, तो घर से नाराज हो क्या? आप आ रहे हो बैठे रहेंगे तो अभी तुमको कहो रोटी खा लो, तो वो भी हम राजी। नहीं नहीं, मैं तो देखो, मैं आप एक तो नाराज, एक तो आप नाराज मत होना मेरे से। नहीं नहीं सुनो, आज तक मैंने ये लंगर भंडारों जी मेहनत करके, बस आपकी मेहरबानी बहुत। अच्छा सुन दो, बस लास्ट बात सुन दो। अच्छा ये बताओ, अच्छा बाबा आप महमूद अली साहब, ये बता दो बस, घर पे गए हुए कितने साल हो गए? बताओ तो सही, बताओ तो थोड़ा सा, कितने साल हो गए? मैंने एक बात आपने सुनी जी? नहीं नहीं नहीं, वक्त में जो आ जाए काम जी, उसको पीर कहते हैं। वक्त में काम आने वाले को, वक्त में जो आ गया काम उसको पीर कहते हैं, और चुप जाए जो कलेजे में उसको तीर कहते हैं। अच्छा सुनो लो, बस थोड़ा सा, हमें इसलिए रोकना था आपको, हम मेरी बेटी आपकी थोड़ी सी हेल्प करनी चाहती है, ये कुछ पैसे हैं। अरे नहीं नहीं सुनो, आपने नहीं ये बेटा, ये अरे ये सुनो, ये 2500 रुपए है, तो क्या करेंगे हैं? इस 2500 रुपए को आप रख लो अपने पास में बेटे की तरफ से, आज मत जाना आप घर पे, आप काम पे मत जाओ, 2500 रुपए अच्छा। तो मरियम ये आपको दे देनी चाहते हैं, दे दो भाई हैं, छोटी सी बेटी दे रही है आपको, छोटी सी बेटी दे रही है आपको। आपको क्या लगा था
आपको क्या लगा हम परेशान करेंगे आपको? जनवरी आएगी बीस, तो मैं 70 साल का हूँ। 70 साल में रिक्शा चला रहे हो? स्कूल का सर्टिफिकेट के हिसाब से LBSM जो कॉलेज है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल हाई स्कूल। जी जी, यानी फुल फॉर्म। जी जी, कितने पढ़े लिखे हो आप? अरे इन बातों को छोड़ा, रिक्शा चला। अच्छा, नाराज तो नहीं हो आप हमसे? नाराज हम एक ही बार हुए थे जो घर छोड़ा दोबारा दे दो भाई, इतने नाराज। बीवी से नाराज हो या बच्चों से नाराज हो? थोड़ा बताओ तो सही। अच्छा, बच्चे परेशान करते हैं, बीवी से किससे नाराज हो? किस्मत से। क्या बताओ तो सही, बता भी नहीं रहे हम आपसे बात करना चाहते हैं। अरे वो ठीक है, एक बार तो हमने क्या कहा था जी, जो उसी को तीर कहते हैं, एक बात ऐसी चुकी चल और घर की एक अठनी नहीं बिगाड़ी, ₹5 मांग के घर का चलो। कितने साल हो गए आपको यहाँ से? इन बातों को छोड़ दो, एक जमाना बदल गया। जवानी में आए थे? मैं जो कह रहा हूँ जमाना बदल गया। आपकी आंखें नम होगी, कलेजा बहुत पत्थर का है। बेटा है, बच्चे हैं, बेबी है। मैंने कहा कलेजा बहुत पत्थर का, जो बात है खत्म, हमने डेढ़ बात कही। चलो आप खुश हो, अब बेटी के सर पर हाथ रख दो, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। मैं जिंदगी में याद रखना, क्या उस महफिल में बैठना जिसमें हंसना ना पड़े, समझ गए? समझाओ, आप समझाओ ना। हंसने वाली महफिल वो होती है जो बुजुर्गों में बैठा जाता है, समझे बेटा? उनसे पुरानी जिंदगी के तजुर्बे मिलते हैं और नए लड़के तो लफंगे, फिल्म आ गई, ओह ये आ गया, वो हीरो है। बस मगर जिंदगी की मेन चीज वो है, मैं किसी इबादत वो चीज है, किसी भी टाइम कर लो और किसी तरीके से कर लो, इबादत वो चीज। मैं इसीलिए बेटी को साथ लेके चलता हूँ कि ये कुछ सीखे। शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बाबूजी। गलत कहा हो तो आप, नहीं नहीं, आप हमने आपको दिल दुखाया हो तो मुझसे माफी चाहते हैं जी, मैं एक्सेप्ट कर लिया आपकी बातों को। इंशाल्लाह 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 फिर मुलाकात होगी आपसे। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। बस तो हमने बाबा की थोड़ी सी मदद की है, कुल 2500 रुपए से। यकीन माने बाबा दिल के इतने सच में अच्छे होंगे, अच्छे हैं और उनका दिल बहुत भरा हुआ है। वो अपने घर से इतने सालों से अलग रह रहे हैं, मुझे लगता है शादी भी नहीं करी होगी, और बहुत जबरदस्ती हमने उनको रोकने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जाते जाते वो एक चीज मरियम को समझा के गए हैं कि बेटा कभी भी ऐसी महफिल में बैठना, महफिल का मतलब होता है ऐसी सोसाइटी, ऐसे लोगों के बीच में बैठना जो जो हंसे ना, ठीक है ना?